दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वो सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी पहले कि कौन कौन से हम कवर करेंगे हमारे वीडियो में। अगर कोई टॉपिक यहाँ पर फिर भी रिमेनिंग रह जाता है तो उसको और वीडियो बना के लास्ट में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो शुरुआत करते हैं, फर्स्ट शुरुआत करेंगे हम नंबर सिस्टम से। यानी कि संख्या पत्ति, सेकंड रहेगा अपना बोडमास रूल। फर्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे वो रहेगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ति, सेकंड बोडमास, फिर थर्ड रहेगा अपना डेसिमल यानी कि दशमलव। डेसिमल के बाद में नेक्स्ट रहेगा अपना फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फिफ्थ रहेगा अपना एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि महत्तम एवं लघुतम समावर्त्य, ठीक है। सिक्स एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। नेक्स्ट रेशियो एंड प्रपोर्शन, नेक्स्ट रहेगा परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत, परसेंटेज प्रतिशत, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और कार्य, समय और दूरी। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। प्रॉफिट और लॉस के बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा अलजेब्रा, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जियोमेट्री, ज्यामिति। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर रूट, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और एज कैलकुलेशन, आयु की गणना, कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड ये बेसिक जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं वो सब मैंने यहाँ बता दिए। फिर भी कुछ रिमेनिंग अगर रह जाएगा तो हम आगे जो भी वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे उसमें उसको कवर कर लेंगे। पर बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जब भी बात होती है एप्टीट्यूड और रीजनिंग की तो वहाँ पर हमें ट्रिक को कभी भी याद नहीं करना है। ट्रिक को याद करने की बजाय मैथ्स में आपको उसको बेसिक को समझना है फिर उसको अप्लाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं हर टॉपिक की आपके बेसिक जो हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। आपको उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मैं बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। बट आपको जो करना है वो ये करना है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पीड मैटर करेगी। क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे लेकिन आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। तो हम एक एक टॉपिक का बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद आपको उसके जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो अपना मैथ्स में रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम।
ऐसे ही वन बाय वन अपन सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर लेंगे। हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, हम बेसिकली सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं आराम से, तो जल्दबाजी करे बिना हम एक एक टॉपिक के अच्छे से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो अपन यहाँ पर कवर करेंगे, और आपको उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस मिले किसी भी बुक में वो सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, कोई भी राइटर की हो सकती है। आपको सिर्फ मतलब है क्वेश्चन से, आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए और आपको उन क्वेश्चन को क्या है, प्रैक्टिस करनी है बार बार।